भक्ति वाले इसके हिंदू में सात फेरे होकर यज्ञ होता है और सरदार में चार फेरे होते हैं, मुसलमानों में एक भी नहीं होता है, इसका ब्याज में क्या होता है? कुछ चक्कर काटते ही नहीं है। बाबा ने बोला है जो भारतवासी होते हैं उनका सरेंडर होने में हृदय विदीर्ण होता है क्या, और फॉरेनर्स क्या करते हैं? फौरन करते हैं। तो जो मुसलमान हैं क्रिश्चियन से हैं उनकी दिल आई और सरेंडर हुए, और यहाँ सरेंडर होने के लिए 20 बार सोचते हैं क्या, एक बार जीवन में जिसके बन के रह गए तो फिर बार बार चेंज होना नहीं हो सकता, सारा जीवन विधवा बन करके रहना पड़ता है। इसलिए बुद्धि बार बार फेरा लगाती है, सात सात फेरे लगाते हैं। तब एक के बनते हैं। नारायण कितने हैं? सात नारायण हैं। वो सातों नारायण बेसिक में है या एडवांस में है? है? तो सात नारायण का पार्ट बजाने वाली आत्माएं बेसिक में पार्ट बजाती है विशेष या एडवांस में पार्ट बजाती है? बेसिक में पार्ट बजाती है। और लक्ष्मी भी कहाँ पार्ट बजाती है? बेसिक। तो सातों को फॉलो करें। ये सप्तऋषि हैं जो पार्वती की परीक्षा लेते हैं, इसलिए सात फेरे गए हुए हैं। एक ने जैसा किया है वैसा फिर छोटों को फॉलो करना पड़ता है। सिखों में फॉलो तो किया है, किसको? सनातन धर्म को। जैसे झाड़ के चित्र में 10 गुरु बैठे हुए हैं, धर्म पिताएं कितने हैं? टोटल 10। ऐसे ही सिखों में कितने गुरु हैं? 10 गुरु हैं। हिंदुओं में 10 अवतार भगवान के प्रसिद्ध हैं। ऐसे ये गुरु सदगुरु का रूप माने जाते हैं। 10 के आगे फिर परंपरा खत्म। उनमें भी जो 4 हैं उनके नाम क्या है? गुरु नानक है, अंगद देव, अमरदास, रामदास। ये 4 ऐसे, उनके बाद 5वां अर्जुन। और उसके बाद हर गोविंद, गोविंद सिंह। आखिरी गुरु गुरु गोविंद सिंह। उनके बाद परंपरा खत्म है। तो सिखों में 7 फेरे नहीं लगाते। कौन कौन से हैं? चार फेरे बस।
उन्होंने मूल तंत्र को पकड़ लिया कि वास्तव में मुख्य धर्म चार ही हैं, बाकी तो सब उनके छेड़े हैं। कितने हैं मुख्य धर्म? है देवता, इस्लामी, बौद्ध और क्रिश्चियन, और बाकी सब क्या है? बाकी उनके छेड़े हैं। तो चार को ही फॉलो किया है, ज्यादा चक्कर में पड़ना नहीं। दिशाएं भी चार हैं, बाकी तो कौन है? जैसे हिंदुओं में चार दिशाओं में चार तीर्थ स्थान बना दिए, तो कहां कहां चक्कर काटते हैं? चारों तीर्थों में चक्कर काटते रहते हैं। एक सिख धर्म ही ऐसा है सब विधर्मियों के बीच में जो देवताओं को फॉलो करने वाला है, इसलिए उस मुख्य पांडव का नाम क्या है? सहदेव, जिसने देवताओं को फॉलो किया। हाँ, माना है उनका ये है कि देवी देवता सनातन धर्म में जो पवित्रता होती है वो देह की पवित्रता है कि आत्मा की पवित्रता है? वो आत्मिक सुख है, वहाँ वहाँ देह का सुख नहीं है। और सिख धर्म में सिखों ने जो टक्कर ली है वो किससे टक्कर ली है? विधर्मियों से। विधर्मी ज्यादा देह अभिमानी होते हैं, मुसलमानों से और क्रिश्चियन से। जो टक्कर सिखों ने ली है वो हिंदुओं ने नहीं ली है। जो बलिदान सिखों ने दिए हैं स्वतंत्रता के लिए वो बलिदान हिंदुओं ने नहीं दिए हैं, लेकिन जो बलिदान दिए गए हैं वो देह अभिमान के बलिदान है या आत्मा का बलिदान है? देह अभिमान के बलिदान। इसलिए जो सफलता मिलनी चाहिए वो सफलता नहीं मिलती है, इसलिए ऐसा बोला गया। पा या र, या और रा तो पूरा अक्षर है और पा आधा है, तो ढाई अक्षर हुआ ना। हाँ, प्यार में ढाई अक्षर ही तो होता है। हाँ, अरे प्रवृत्ति मार्ग कब बनता है? प्रवृत्ति मार्ग सिर्फ पति पत्नी से ही बन जाता है या बच्चे भी चाहिए? हो ही जाते हैं, नहीं वो पैदाइश होनी चाहिए तभी पक्की माता कही जाती है। माता हो और बच्चे ना हो तो अधूरी है, इसलिए वो आधा बच्चों का हिस्सा और जोड़ दो। संदेश को सबको देना, बाबा के पास सुगंधित फूलों को लाने के लिए प्रार्थने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति में क्या क्या सावधानियां बरतना? देखना है कि सुनाते ही वो फिदा होता है कि नहीं। जो हमारे कुल का होगा तो थोड़ा सुनेगा और फिदा हो जाएगा, अगर हमारे कुल का नहीं होगा तो रोज रोज उसको रगड़ करते रहो, उसके ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। तो क्या पहचान हुई? है हाँ, थोड़ा सा परिचय देंगे और खींचा चला आएगा, इससे साबित होता है वो हमारे कुल का है। चार छह जन्म पहले का कन्वर्ट हुआ होगा तो नहीं खींचेगा।
एक दो जन्म का कन्वर्ट हुआ होगा और उसको हम सुनाएंगे, वो पटाख से खिंचा जाए। बहुत से ऐसे मुसलमान हैं जो एक दो पीढ़ी से कन्वर्ट हुए हैं, उससे पहले हिंदू थे। बहुत से ऐसे क्रिश्चियन हैं जो इस जन्म में भी कन्वर्ट हो रहे हैं, हिंदू से क्या बन रहे हैं, क्रिश्चियन बन रहे हैं। अरे वो लोभ जो आता है वो काहे से आता है? अरे काम विकार की पूर्ति के लिए लोभ भी चाहिए, और क्रिश्चियंस में क्रोध होता है। जहां क्रोध होगा वहां काम का अंश जरूर होगा। क्रिश्चियंस क्या लूट लूट करके नहीं ले गए? क्या मुसलमान ही लूट लूट के ले गए? क्रिश्चियंस भी लूट लूट के ले गए, तरीका अलग अलग था। उन्होंने मूर्ख बना करके लूटा, उन्होंने आक्रमण करके लूटा। अवस्था और लाभ बैलेंस बनता नहीं करते हैं। परिभाषा गलत बना दी है, है? मुसलमान जो कन्वर्शन करते हैं, हिंदुओं को कन्वर्ट किया अपने धर्म में, तो उन्होंने लव का बैलेंस ज्यादा रखा कि ला का बैलेंस ज्यादा रखा? तलवार ही तलवार, ला ही ला, लव का नाम निशान नहीं। तो उनके धर्म में और क्रिश्चियंस के धर्म में बड़ा भारी फर्क हो जाता है। भारत में भगवान भी आते हैं, वो कैसे कन्वर्ट करते हैं? है? सिर्फ लव, ला माने ज्ञान, ला माने ज्ञान। तो ज्ञान और प्यार, आत्माओं को देखना होता है। कोई आत्माएं प्यार के ऊपर पहले फिदा होती है, ज्ञान व्यान कुछ नहीं सुनती है पहले। जब प्यार के ऊपर फिदा हो जाती है तो ज्ञान भी सुनने लग पड़ती है। कुछ आत्मा ऐसी होती है रुद्रमाला के मणके, ज्ञान के ऊपर फिदा होते हैं, प्यार के ऊपर नहीं। और कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जिन्हें ज्ञान भी चाहिए और प्यार भी चाहिए। ज्यादा सुखी कौन रहेंगे? है, जिनमें बैलेंस होगा वो सुखी रहेंगे। है जी, इसलिए कोई के ऊपर दबाव नहीं डालना चाहिए कि हमारी बात मानो, हमारी बात मानो माने प्यार नहीं रहा। आत्मा तो है, जिसके हम ऊपर दबाव डाल रहे हैं वो आत्मा नहीं है क्या? परमात्मा बाप का बच्चा मनुष्य नहीं है? मनुष्य तो है। भगवान बाप आते हैं, 70-71 साल हो गए, किसी के ऊपर दबाव डाला क्या? रोज कहते हैं अपन को आत्मा समझ, मुझे याद करो। है, कहते कहते कितने साल बीत गए? 71 साल बीत गए। कोई के ऊपर फोर्स डाला है तो हमारी बात नहीं मानोगे तो हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। देखिए रामचंद्र बाबा ने माया को लगा रखा है क्या? जितने बच्चे श्रीमत तो नहीं चलते हैं। हाँ, माया खूब फंस पाओ। हाँ तो वो माया का काम माया को करने दो, तुम क्यों करते हो? माने माया भी हो, रावण हो, रावण का काम हमें करना है क्या? तो फिर तो सपोर्ट क्यों कर रहे हो माया को? भक्ति वाले बोलते मोह सकल व्याधि कर। हाँ जी, इसका बेहद डेलिकेट है।
जितने भी धर्म हैं उनमें सबसे ज्यादा कमजोर धर्म कौन सा है? मोह। जो धर्म मोह सबसे कमजोर है, वो कमजोर ही सबसे ज्यादा व्यवधान पैदा करता है, सबसे ज्यादा अड़चन पैदा करता है, सबसे ज्यादा विरोध पैदा करता है, या कोई दूसरा पैदा करता है? नास्तिक उनसे अच्छे। रसिया देखो अभी भी भारत का सहयोगी है। भारत को भगवान को नहीं मानता है ना? अरे भगवान को नहीं मानता है तो क्या हुआ? भारत का सहयोगी तो है। और आर्य समाज जी ये तो महादुश्मन है। जो अधूरा डॉक्टर होता है फैला छाप, वो ज्यादा नुकसान करता है, या जो लकब लेकर के डॉक्टरी करता है वो ज्यादा नुकसान करता है? फिर नीम हकीमे खतरे जान। ये आर्य समाज जी भगवान को ही नहीं मानते। भगवान तो साकार भी होता है निराकार भी होता है। वो निराकार को मानेंगे, साकार को नहीं मानेंगे, देवताओं को नहीं मानेंगे। अब जब देवताओं को मानेंगे ही नहीं तो स्वर्ग को भी नहीं मानेंगे। उनके लिए ये नरक की दुनिया में ही स्वर्ग है, हम स्वर्ग बनाएंगे। इनको लेकिन प्राप्ति कहाँ से हो जाती है? इनको प्राप्ति हो रही है, साकार को नहीं मानते। हाँ प्राप्ति ऐसी प्राप्ति तुम करोगे जन्म जन्मांतर की? नहीं 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 नहीं। क्यों क्यों तुम क्यों नहीं करोगे? इनको प्राप्ति हो रही, तुम्हारी जीभ लपलपाए रही है, बहुत अच्छी प्राप्ति है, तुम भी कर लो। बाबा कहते हैं तुमको अगर राष्ट्रपति पद, राष्ट्रपति का पद मिले तो तुम थूक मारेंगे। है तुम थूक मारेंगे? तुम थूक मारेंगे? हाँ अभी बड़ाई कर रहे थे। है हाँ तो पुरुष होता है नारी होती है, है और एक होता है जो ना पुरुष होती है ना नारी होती है। उसका बाबा बेहद में अर्थ है, बेहद में अर्थ यह है कि रुद्रमाला में ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो स्त्री जन्म लिया है तो भी उन्होंने अति कर दी। क्या स्त्री जन्म लेके अति कैसे की जाती है? हाँ हाँ ढेर की ढेर वैश्या बन पड़े। और पुरुष जन्म लिए तो अति के लंपट बन पड़े। तो पुरुष जन्म का तिरस्कार किया, स्त्री जन्म का तिरस्कार किया या सत्कार किया? है तिरस्कार किया, दुरुपयोग किया। जब दोनों का दुरुपयोग करेंगे तो जन्म कैसा मिलेगा? है स्त्री के रूप में सुख भोगेंगे जिंदगी के, या पुरुष के रूप में सुख भोगेंगे जिंदगी के? ना स्त्री के रूप में भोगने योग्य रहेंगे और ना पुरुष के रूप में सुख भोगने योग्य रहेंगे। ये शिखंडी बन जाते हैं। नंबर बार तो सभी में होते हैं। साकार शरीर में कोई सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा प्रवेश करती है तो वो ज्यादा अपनी ताकत दिखाती है, शक्ति दिखाती है, ऐसा क्यों होता है बाबा? दिखाती है कि होता है उसमें शक्ति ज्यादा? शक्ति होती भी है और मतलब लोगों के बीच में दिखाती भी है। हाँ तो देह अभिमान है ना। सूक्ष्म शरीर धारण कौन करते हैं? सूक्ष्म शरीर धारण करने वाले ही वो होते हैं जो आतताई होते हैं। क्या वास्तव में वो कमजोर आत्माएं होती है और अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए ज्यादा देह अभिमान दिखाती है। उनको सूक्ष्म शरीर मिलता है। ज्यादा देह अभिमान दिखाएंगी तो ज्यादा पाप करेंगी, ज्यादा पाप करेंगी तो उनके पाप ज्यादा न बढ़े इसलिए उनको अकाले मौत नूद हो जाती है। जब तक वो सूक्ष्म शरीर धारण करके रहेंगी तब तक उनके ऊपर पाप का बोझा नहीं चढ़ेगा। जब बैलेंस बराबर हो जाएगा फिर शरीर का जन्म मिल जाएगा। तो ये सूक्ष्म जो आत्माएं हैं जिन्हें तांत्रिक लोग कंट्रोल करते हैं, औलिया, यही रावण संप्रदाय हैं।
इसलिए मुसलमानों में और क्रिश्चियंस में देवताओं को नहीं मानते हैं। किसको मानते हैं? फरिश्तों को मानते हैं। भूत प्रेतों की मान्यता वहां ज्यादा है। देवताओं का कोई मंदिर नहीं है, कोई मान्यता नहीं है। तो ये जितने भी इस्लामी और क्रिश्चियन आदि हैं, ये आतताई हैं, पाप बनाने वाले धर्म हैं या पुण्य को फैलाने वाले धर्म हैं? पाप को बढ़ाने वाले धर्म हैं। दुनिया के जितने बड़े से बड़े पापी हैं, वो ही सूक्ष्म शरीर धारण करते हैं। हाँ, नंबर वार तो होते ही हैं, उनमें अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। अच्छे में अच्छी आत्मा है ब्रह्मा की सोल। और राम कृष्ण की आत्मा है तो हीरो विलेन का पार्ट में जाते हैं, फिर डायरेक्टर पर्दे के पीछे रहता है। डायरेक्टर पर्दे के पीछे नहीं आता। हाँ, उसकी आत्मा है। सुप्रीम सोल तुमको तुम्हें देखने में आ जाता है अभिमान का। सारी दुनिया में देह अभिमान का पर्दा ही तो सब में फैला हुआ है। 500 करोड़ में कौन सा पर्दा है? अज्ञान काहे से आता है? देह अभिमान से आता है। तो देह अभिमान का पर्दा सारी दुनिया में फैला हुआ है। 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं में से कोई ऐसी है दिखाई पड़ रही है जिसमें देह अभिमान का पर्दा अंश मात्र भी न हो? है कोई? सभी में है। जब ऐसी कोई आत्मा तैयार हो जाएगी सुप्रीम सोल के अलावा जिसमें देह अभिमान अंश मात्र भी न हो, उसकी निशानी होगी उसके थोड़ा सा संग के रंग में आने पर भी परिवर्तन हो जाएगा। दृष्टि पढ़ने मात्र से ही परिवर्तन हो जाएगा। एक शब्द सुनने मात्र से ही परिवर्तन हो जाएगा। स्पर्श करने मात्र से ही परिवर्तन हो जाएगा। उसको कहते हैं पारसनाथ। तो देह अभिमान का पर्दा पड़ा हुआ है, वो सुप्रीम सोल उस पर्दे के अंदर रह करके कार्य कर रहा है। अपने आप सभी कुछ करता है, अपने आप छुपाया। वो कुछ नहीं करता। वो करता है क्या? वो करता है क्या? करता है। वो साकार के लिए बोला है। वो साकार अभी भी गुप्त है। अगर प्रत्यक्ष होता है तो तुम पहचानते ना? फिर उल्टे पलटे मनमाने कर्म करते हैं? नहीं करते। और होगा भी जब प्रत्यक्ष तो पता चलेगा कि शिव बाबा क्या पार्ट बजाता है। भाई बहन हो ना प्रीत गुसाई और सूक्ष्म शरीर धारी दृष्टि में प्रवेश करके पार्ट बजाती है। पार्ट बजाने वाली तो सूक्ष्म शरीर के द्वारा ही, तो वो साकार शरीर के द्वारा सूक्ष्म शरीर करी तो ऐसी उसको खाती है ना जो करा रही है। जिस शरीर में प्रवेश करती है उसके द्वारा सारा कार्य होता है, वो ही पाप पुण्य बनता है उसके द्वारा। करने वाली तो वो सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा है। उसके साथ जिसमें प्रवेश किया है उसने कर्म बंधन बांधा है पिछले जन्म में, वो अपना कर्म बंधन चुकतू कर रही है। क्यों? क्योंकि जिसमें प्रवेश है वो ज्यादा पावरफुल है या जो प्रवेश करने वाला है वो ज्यादा पावरफुल है? प्रवेश करने वाला है वो ज्यादा पावरफुल है, भले अज्ञानता के कारण पावरफुल बन गया। राम वाली आत्मा अगर कमजोर है तभी उसमें कृष्ण की सोल प्रवेश करके पार्ट बजा सकती है बैल का, नहीं तो नहीं बजा सकती। राम वाली आत्मा का जो अपना स्वभाव संस्कार है, जो गुण है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम का गाया हुआ है या मर्यादा हीन का गाया हुआ है? मर्यादा पुरुषोत्तम का गाया हुआ है।
लेकिन वो संग के रंग में आते आते असुरों से टकराते टकराते संग का रंग लग गया, कमजोर पड़ गई। तो जब तक कमजोर है तब तक वो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा की सोल उसमें प्रवेश कर रही है और प्रवेश करके अपना कार्य करा रही है। जब परिपूर्ण स्टेज हो जाएगी योग की, सदाकाल की निराकारी स्टेज बन जाएगी, तो उसमें प्रवेश होना बंद हो जाएगा। वैसे भी कोई भी रुद्रमाला के मणकों में जो अनेक अनेक आत्माएं प्रवेश करती हैं, करेंगी या नहीं करेंगी? करेंगी। वो अनुभव कर सकते हैं कि जब इस तार की याद रहती है तो कोई आत्मा प्रवेश नहीं कर सकती। जब तक इस तार की याद है तब तक वो आत्मा को संघर्ष करना पड़ेगा कंट्रोल करने के लिए। यदा कदा येन केन प्रकारेण, अगर आत्मिक स्थिति भूल गई तो प्रवेश कर लेगी, ऑक्युपाई कर लेगी। प्रश्न दिया है कि महाभारत में दिखाया है कि पांडवों के वंश में एकमात्र परीक्षित ही बचा और बाकी सब खलास हो गए, इसका बेहद में अर्थ क्या है? परीक्षित का अर्थ क्या है? है जिसकी पूरी परीक्षा ले ली जाए, क्या जिसकी पूरी परीक्षा ले ली जाए उसे कहते हैं परीक्षित। माने ट्रेंड हो गया, परिपूर्ण हो गया। तो महाभारत द्वापर की बात है या कलयुग अंत की बात है? कलयुग अंत की बात है। कलयुग अंत में ऐसी कोई एक ही आत्मा बचती है पांडव संप्रदाय में जो परीक्षित की स्टेज को प्राप्त करती है। अनिश्चय बुद्धि विनश्यते, अनिश्चय बुद्धि विजयते। ने कहा कि भाई दाढ़ी में उससे बेकारी भी होती है, तो हमारा क्या होगा? यहाँ कौन ऐसा है पुरुष जिसको दाढ़ी मूछ नहीं है? है हमारे है ना दाढ़ी मूछ, इनमें किसी को बताओ जिसको दाढ़ी मूछ नहीं है, कोई है? है बनवा लेते हैं तो तुम छुपाए लेते हैं ना, तुम छुपाने वाले हुए और ये अपना छुपाते नहीं है, जो अंदर हैं तो बाहर हैं, तो अच्छा कौन हुआ? है कौन अच्छा हुआ? जो अंदर बाहर एक है वो अच्छा हुआ, या जो अपने अवगुणों को छुपा ले वो अच्छा हुआ? चिकना चुपड़ा बना के दिखा दे, देखो हम निर्विकारी है, जैसे जैन सन्यासी वो एक एक बाल करके अपना उखड़वा देते हैं क्या दिखाने के लिए? कि देखो हम निर्विकारी हैं, ये स्त्रियां भी हमारी पूजा करती हैं नंगन रूप की, हमारे अंदर विकार पैदा नहीं होता। बाबा मुरली में गए थे, ये भी दवाइयां खाते हैं क्या? दवाइयां खा के अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं, ऐसे नहीं कि इनकी इंद्रियां पूरी बस में हैं। तो जैन मुनि सन्यासी अच्छे या हिंदू सन्यासी अच्छे या सिख अच्छे? सिख तो सबसे अच्छे हुए। मुरली में बोला है इस ब्राह्मण परिवार में भी जो अंदर एक और बाहर दूसरा है वो इस ब्राह्मण परिवार के लिए बहुत खौफनाक खतरनाक है, कभी भी धोखा दे सकता है। बाबा एक कहावत है, पुत्र सपूत तरना धन संचय और पुत्र कपूत तरना धन संचय। माने बच्चा अगर कुपुत्र है
तो धन इकट्ठा करके कोई फायदा नहीं, वो कुपुत्र क्या करेगा, सारा इकट्ठा किया हुआ बाप दादे की कमाई बर्बाद कर देगा। तो क्यों धन संचय, और पुत्र सुपुत्र तो क्यों धन संचय, सुपुत्र है अच्छा, सच्चा पुत्र है, अच्छा पुत्र है तो वो जो सुपुत्र होगा वो अपनी कमाई का खाएगा या बाप दादे की कमाई का खाएगा, अपनी कमाई का खाएगा, उसके लिए संचय करना ही बेकार है। वो तो जानता है कि हम कर्म करेंगे तो हम खाएंगे, दूसरों का इकट्ठा किया हुआ धन हम खाएंगे तो उससे हमारा जन्म जन्मांतर खराब बनेगा। बाप दादा ने जो कमाई करके इकट्ठा किया है वो दूसरों की सेवा में लगाने के लिए, विश्व कल्याण के लिए इकट्ठा किया है या हमारे लिए किया है, है? विश्व कल्याण के लिए किया है। कौन बाप दादा ऐसा चाहता है कि हमारा बच्चा जो पैदा हो वो कुपत्ता पैदा हो, स्वार्थी पैदा हो, बैठे बैठे खाने वाला पैदा हो। हर माँ बाप चाहता है हमारा बच्चा जो है हमारी दुकान चलाने वाला हो, हमारा नाम बाला करने वाला हो। इसलिए बोला पुत्र कुपुत्र तो क्यों धन संचय, ये तो हुई हद की बात, और यहाँ बेहद की बात भी है। क्या है, जिन बच्चों को हम संदेश देते हैं, जिन बच्चों को हम ज्ञान देते हैं, जो वारसदार बनते हैं, उनके लिए कुछ भी लिखा पट्टी करने की दरकार नहीं है। क्या पुस्तकें छपाने की दरकार नहीं है? क्यों? क्योंकि अच्छे बच्चे होंगे तो अपनी बुद्धि रूपी तिजोरी में स्वतः ही अपनी कमाई करेंगे, दूसरों को भी बांटेंगे। कुपत्ते होंगे तो दुनियादारी की बातों में लगे रहेंगे और ज्ञान की कमाई बिल्कुल नहीं करेंगे, जो धन है वो भी बर्बाद कर देंगे, कुपत्तों को बांट देंगे। नहीं तो सुपात्र को दान देना चाहिए। आर्य समाज जी क्या करते हैं, लिटरेचर तो बहुत छपाते हैं, सारा ही इधर उधर बांट देते हैं। बाबा कहते बिना समझाए किसी को अगर लिटरेचर बांटा तो फेंक देंगे। ये कुपात्र को देना हुआ या सुपात्र को देना हुआ, कुपात्र को दे दिए। यहाँ कीचक नहीं बैठे हुए, यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में तुम्हें कीचक नहीं दिखाई पड़ते जो ब्रह्मा कुमारियों के पीछे पड़ते हैं? अरे तुम्हें दिखाई नहीं पड़े तो बेहद का अर्थ नहीं समझे। ब्रह्मा कुमारियां सेवा करने के लिए निकलती हैं, उनकी दृष्टि होती है ये हमारे बगल में बैठी रहे, हमारे कंट्रोल में पूरी आ जाए, और लंपटों के कंट्रोल में आ जाएंगे तो सेवा कर पाएंगे फिर कि सेवा भूल जाएंगे, भूल जाएंगे। बाबा आपकी बार में जो फल प्रसाद कथा होता है सत्यनारायण बाबा का, खुला रखते हैं आप? बीके में जो ढक के प्रसाद रखते हैं वो लगाते हैं, हाँ कपड़े ढक के रखते हैं, हाँ तो इसका क्या, तो वहाँ ढका जाता है और भक्ति मार्ग में जो खुले प्रसाद को रखते हैं और सत्यनारायण बाबा की कथा होती है भोग लगता है। भक्ति मार्ग में जो भगत है वो ज्ञानी है कि अज्ञानी है, परसेंटेज में? बीके वालों के मुकाबले जो भक्ति मार्ग में जो भक्त है सत्यनारायण की कथा करवाते हैं, भोग लगवाते हैं, भोग तैयार करते हैं, वो ज्ञानी है या अज्ञानी है? ब्रह्म कुमारियों के मुकाबले अज्ञानी है, तो उन्हें तो इसका ज्ञान ही नहीं है कि वास्तव में भोग कौन है। ब्रह्मा कुमारियां भी एडवांस वालों के मुकाबले ज्ञानी है या अज्ञानी है? वो भी अज्ञानी है। उनको भक्ति ये है कि इस मक्खियां वगैरह न बैठे, ब्रह्मा बाबा के प्रति बहुत ज्यादा
श्रद्धा विश्वास है, मक्खियां अक्खियां बैठ के गंध कर देंगी तो ये भोग खराब हो जाएगा, बाबा को हम कैसे खिलाएं। तो स्थूल शुद्धि की बात उनकी बुद्धि में है क्या? उनकी बुद्धि में कौन है खाने वाला? ब्रह्मा बाबा। और जो ज्ञानी है उनकी बुद्धि में भोग किसको लगाया जाता है? जो ज्ञानी है एडवांस में है, और एडवांस में भी दूसरे धर्म के नहीं है, पक्के पक्के देवी देवता सनातन धर्म के सूर्यवंशी हैं, तो उनकी बुद्धि में कौन से भोग की बात है? विकारों का भोग भगवान लेता है। भगवान कोई लड्डू पेड़ा थोड़े ही खाने के लिए आता है? लड्डू पेड़ा खाने के लिए आता है? रोटी दाल खाने के लिए आता है क्या? नहीं। तो भगवान तो विकारों का भोग लेता है। विकारों का भोग जो है वो मनुष्य जब भोग लगाते हैं तो भी पर्दा डालते हैं, दीवारें खड़ी करते हैं कि ऐसे ही मैदान में करते हैं, पर्दा डालते हैं ना। तो वो भक्त भी ये परंपरा अपना रहे हैं कि मंदिर में जब घंटड़ी बजाएंगे भगवान के सामने भोग लगाएंगे तो पर्दा डाल देंगे, कोई देख ना पाए। वो सारी यहाँ की बातें ही भक्ति मार्ग में चलती हैं। वो है स्थूल भोग और यहाँ है भगवान का सूक्ष्म भोग, उनका हद का भोग है, और यहाँ है बेहद का भोग। और इंग्लैंड का देश है, इंग्लैंड तो शब्द अंग्रेजी का है, है? जैसे लंदन का ज्ञान का लेन देन। लंदन तो इंग्लैंड की राजधानी है। क्या? जो राजधानी है क्रिश्चियंस की बड़े से बड़ी, उसका नाम है लंदन। वो पहला शहर है जहाँ क्रिश्चियंस ने दुनिया की बड़े से बड़ी राजधानी जमाई। उसका फाउंडेशन ब्राह्मणों की दुनिया में तब पड़ता है बेसिक में, जब ब्रह्मा बाबा शरीर छोड़ देते हैं तब लंदन में सेवा केंद्र खुलता है, तब विदेशी सेवा का फाउंडेशन पड़ता है, तब द्वापर युग की शूटिंग शुरू होती है, तब ब्राह्मणों की दुनिया की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती है। ऐसे यहाँ भी है एडवांस में, वहां तो है जड़ सेवा केंद्र और यहाँ है चैतन्य सेवा केंद्र। तो यहाँ भी फाउंडेशन पड़ा था, पहली बीज रूप आत्मा निकली थी विदेशों से, वो निकली है लंदन से। क्या? तब विदेशों में सेवा ज्यादा बढ़ी है, और विदेशों में भी जो भारत का विदेश है वहां की सेवा भी बढ़ी। और इंग्लैंड तो देश का नाम है, ब्रिटानिया, सारे ही शहर सारे ही स्थान को स्टेट को ब्रिटानिया नाम दिया हुआ। उबकाई आती है, जमुहाई ज्यादा आती है। अब जमुहाई आती है वो अलबेलापन लाएगी या स्मार्ट बनाएगी? अलबेलापन लाएगी। तुम्हें अलबेलापन जगाना है तो मूली खाओ, है? नींद भी ज्यादा लाएगी, क्योंकि जितने भी पाचक चीजें होती हैं पचाने वाली वो सब निद्रा लाने वाली होती हैं। नींद में भोजन अच्छा पचता है, क्योंकि शरीर के सारी ग्रंथियां जो हैं शिथिल हो जाती हैं, फिर भी पेट की ग्रंथियां अपना काम करती रहती हैं, तो सारी ताकत खून कहाँ इकट्ठा हो जाता है जाके?
पेट की ग्रंथियों में इकट्ठा हो जाता है और खून जल्दी वो खाना जल्दी पच जाता है। इसलिए अगर नींद ज्यादा लानी हो तो क्या करें, है खूब बूली खाओ। याद में अगर नींद आ गई है तो समझो कि पापों का बोझा ज्यादा चढ़ गया है, खूब पाप किए हैं। एडवांस में आकर के भगवान को पहचानने के बाद तो सौगुना पापों का बोझा क्या हो रहा है, खूब चढ़ रहा है। यहाँ से बड़ी बड़ी हो गई याद में भी, इसके मतलब प्योर याद नहीं होती है। हाँ, जब याद होगी तो सारा शरीर का जो शुद्ध खून है वो कहाँ पहुँच जाएगा, है मस्तिष्क में पहुँच जाएगा। जो वो हद के योगी लोग हठ योगी कहते हैं कि आठ चक्र हैं शरीर में, क्या उन आठ चक्रों में से कुंडलनी चक्र जहाँ पर है, कुंडलनी जहाँ सोई हुई है, वहां से कुंडलनी जागते हुए सहस्रासार में पहुंच जाती है। ऐसा कुछ नहीं होता है क्या, जो शरीर का शुद्ध खून है जब मस्तिष्क में यहाँ पहुंचने लगता है तो उसी को कहा जाता है जागृति, कुंडलनी शक्ति जागृत हो गई, मनन चिंतन मंथन की पराकाष्ठा हो गई। जब ऐसी पराकाष्ठा पर आत्मा पहुंचती है तो जो डिस्चार्ज होना है वो बंद होने लगता है। शक्ति जो नीचे की ओर जाने की अभ्यासी है, जिससे बच्चे की पैदाइश होती है, वो नीचे की ओर जाना बंद होने लगती है, माना पतन बंद होने लगता है। ये है पतित से पावन बनने का तरीका। तो जितना हम याद करेंगे उतना हमारे शरीर की शक्ति कहाँ जाएगी, ऊपर की ओर ऊर्ध्वगामी बनेगी। ऊर्ध्व रेता कहा जाता है, रेत कहा जाता है वीर्य को। ये रजवीर की जो शक्ति है मनन चिंतन मंथन की पराकाष्ठा पर पहुंचने पर ऊर्ध्वगामी होने लगती है। और जब ऊर्ध्वगामी हो जाती है तो समझो हम त्रेता में प्रवेश कर गए, फिर डिस्चार्ज होना बंद। क्या इंद्रियों का भोग सामने ही आ जाए, परसी हुई थाली बढ़िया बढ़िया भोगों की, तो भी हमारी इंद्रियों में शिथिलता, हमारी इंद्रियों में डिस्चार्ज होने की जो अशक्ति है वो दिखाई ही नहीं देगी, महसूस ही नहीं होगी। इसलिए मुरली में भी बोला है जब तुम बच्चे त्रेता युग की सीढ़ी चढ़ना शुरू करेंगे तो तुम्हारा डिस्चार्ज होना बंद हो जाए, स्त्रियों का मासिक धर्म भी क्या होगा, बंद हो जाएगा। लोथ अभी तो बताया मुरली में, लोथ माने मुर्दा। बाबा संडे से भी जाते हैं, जब संडे से भी जाते हैं माँ वाले संडे देते हैं ना, है ब्रह्मा को, है तो वो लोग पहले से ग्लानी वगैरह सुनाने लग पड़ते हैं तो, और बोलते हैं बिजली केस में ऐसा हो गया वैसा हो गया दुनिया भर की, है और खुद ही ब्रह्मा कुमार लोग घूस वगैरह देते हैं, हमने देखा है। और ब्रह्मा कुमार या खुद ही पर्चे वगैरह बनवाते हैं, घड़ी की दुकान पे गए थे वृंदावन में, वहाँ के दो इंचार्ज बैठे, उन्होंने 5 रुपए का रस्सी लगाया और 50 रुपए का पर्ची पे हमारी रसीद, बोला कि हम शांति महिला सरहद के नीचे ले लेंगे पैसे, ऐसा करके बनवाया मेरे सामने। तो उनके लिए क्यों नहीं करते, क्या नहीं कैसे करते गवर्नमेंट, उनके लिए तो ऐसा स्विच नहीं लगा। दुनिया में ऐसा जाने कितने उल्टे पलटे धंधे होते रहते, गवर्नमेंट किसको किसको पकड़ पाती है? अरे गवर्नमेंट सबको पकड़ पाती है क्या, नहीं, जो ज्यादा चालाक चोर होता है वो तो कभी पकड़ में ही नहीं आता है। ब्रह्मा कुमार ने हमारे इधर चोरी की तो हमने बोला कि क्या कर रहे हो, वो बोलते हैं युक्ति है, पैसे देते हो उनको दोष मत दो, सब तरह के बीज कहाँ है अपना माता ठोको यहाँ
बाबा ने बोला किसी को उंगली खड़ा नहीं थे, लेकिन वो खुद के वजह से नहीं करते ना, वो दूसरे की तरफ नहीं करना चाहता ऐसा, वो बेसिक ज्ञान लेते हैं तो पाप भी बेसिक के करेंगे या एडवांस में पाप करेंगे, और जो एडवांस ज्ञान लेते हैं वो पाप भी कैसे करेंगे, एडवांस पाप करते हैं। जो दुनिया के पढ़े लिखे आदमी हैं वो बड़े बड़े पाप करते हैं कि गांवड़े के सीधे साधे लोग बड़े बड़े पाप करते हैं, पढ़े लिखे बड़े बड़े पाप करते हैं, तो ज्यादा पढ़ाई कौन पढ़ रहा है फिर? कोई ने प्रश्न किया है, बाबा एनएस के बाहर भी सूर्यवंशी हैं क्या? अगर हैं तो उनको सूर्यवंशी माँ की पालना कैसे मिल रही है? सूर्यवंशी माँ की विशेष शक्ति कौन सी है? वाचा की ताकत है, कर्मणा की ताकत है, धन की ताकत है, मनसा की ताकत है, या प्योरिटी की ताकत है, या वाइब्रेशन की ताकत है? प्योरिटी से वाइब्रेशन बनता है। तो जो आत्माएं एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया में वाइब्रेशन से सहयोगी हैं सूर्यवंशियों की और सूर्यवंशियों माँ की भी, उनको ऑटोमेटिक पालना मिलती रहती है, उनका मन उधर खिंचा रहता है, जिस खिंचाव के कारण उनसे गलतियां भी कम होती हैं। गलतियां कम होने की वजह से उनका जो माहौल में बुराई ज्यादा फैलेगी या भलाई ज्यादा फैलेगी है? दूसरे जो देखने वाले हैं वो उनको अच्छा अच्छा कहेंगे या बुरा बुरा कहेंगे है? अच्छा ही अच्छा कहेंगे, वो अच्छी अच्छी आत्माएं उठा करके, वो तो है ना इसमें जाती है, दूसरी कौन सी जाती है? तो पालना नहीं मिल रही है, वो ऑटोमेटिक पालना मिल रही है। और जहां तक स्थूल पालना का सवाल है, तो बाबा तो चक्कर काटने में लगे रहते हैं, वो कोई स्थूल पालना देखते हैं क्या है? फिर ये सारा सप्लाई कहां से होती है? अपनी अपनी सप्लाई अपने आप करते हैं कि एक जगह से हो रही है? एक जगह से हो रही, उसका प्रबंध करने वाला कोई तो मुखिया होगा। अरे घर को कौन संभालता है? माँ ही संभालती है। और लंबे चौड़े प्रश्न, सेवा कर सकते हैं? अरे किसने कहा कि सेवा नहीं कर सकते? बाबा हमारा लेकिन बाबा ने बोला है हमारे का आ मेरे का मेरे हो क्या माना? माया के हैं, बाबा के नहीं है वहाँ के रहने वाले। वहाँ के रहने वालों में परसेंटेज ज्यादा किसकी है? है जो माया के बन करके रह रहे हैं, माया के पूरे ही अधीन है। उनके संग के रंग से बच सकते हो तो जो
शादी बर्बादी बताया जैसे बाबा ने, और कोई का धंधा हो रोज शादियों में जाना, कोई ब्राह्मण ऐसा हो जिसका धंधा ही हो रोज शादियों में जाना, तो फिर अपने को कंट्रोल कर पाएगा? हैं, शादियों का वातावरण कैसा होता है, सबकी बुद्धि में बर्बादी लगी हुई होती है कि आबादी लगी हुई होती है? बर्बादी की बात लगी हुई है। फिर समझ लो, हमारा धंधा है ना बाबा। हाँ, तुम्हारा धंधा, हम ये आपके धंधे की बात नहीं कर रहे, हम तो कोई भी धंधे की बात कर रहे हैं। जैसे बाबा कहते हैं शराब का धंधा है सबसे ज्यादा खराब, सबसे ज्यादा विकारों को खींचने वाला धंधा है शराब का धंधा, युक्ति से ये धंधा चेंज कर देना चाहिए। सिर्फ एक शराब के धंधे के लिए बोला है, बाकी शादियों आदि के धंधा या दो पंडित लोग यजमान होते हैं, पूड़ियां उड़ियां बनाते हैं, कथा वार्ता करते हैं, उनका भी धंधा है, उनके लिए किसी के लिए नहीं बोला है क्या? तो अपनी कैपेसिटी देखनी है, हमारे में इतनी कैपेसिटी है, इतनी ताकत है कि हम उस माहौल को भी चेंज कर देंगे। बड़ी अच्छी बात, सेवा करो, नहीं तो कौन जाएगा विदेश में? है विदेश में अच्छे अच्छे हैंड्स जाने चाहिए या कच्चे कमजोर? अच्छे अच्छे हैंड्स जाना चाहिए। बेसिक में भी बाबा ने लक्ष्मी बनने वाली आत्मा को विदेश भेज दिया, अच्छा हैंड है या खराब हैंड है? है अच्छा हैंड है, मुकाबला करते हुए भी और विजयी हो जाए। बाबा जब शिव प्रवेश करते हुए तो प्रजापिता कह रहे हैं ना वो? प्रजापिता कोई किसी को पता चलता है? 84 जन्मों में प्रजापिता की कोई को पहचान होती है? होती है नहीं, पहचान कौन देता है? हाँ, अरे बाप खुद आकर के अपनी पहचान देते हैं, और वो बाप सिर्फ आत्मा नहीं है, सिर्फ आत्मा बन करके नहीं इस विश्व का कल्याण कर सकता है, उसे क्या करना पड़ता है? है शरीर में भी प्रवेश करना पड़ता है, तो इसलिए साकार और निराकार दोनों का परिचय देता है, दोनों ही बेहद के बाप हैं। उसके बगैर के परिचय दिए बगैर न शिव का परिचय मिलेगा न न प्रजापिता का परिचय मिलेगा। बाबा आज मंदिर में बोल रहा कि कन्या मुख से ज्ञान सुनना पवित्र है, वो ही है तो पुरुष जो सर्विस कर रहे हैं तो वो नहीं करें? सर्विस कर रहे हैं, सर्विस करते हैं, सर्विस करते समय बाबा तो कहते हैं पहले खुद धारण करो फिर दूसरों को सुनो। तो अपने अंदर देखें कि हमने धारणा की है, खुद धारणा की नहीं है और दूसरों को सुना रहे हैं, तो असर असर तो नहीं पड़ेगा। बाबा अगर माता कोई जिज्ञासु है कि ज्ञान सुनना चाहती है तो उसे नहीं सुना है? माता कोई जिज्ञासु है ज्ञान सुनने के? और कुमार तो उसमें भी खास, कन्याएं मिलती हैं तो खूब सुनाते हैं, उन्हें ध्यान ही नहीं रहता है कि हम कहीं गड्ढे में चले जाएं। सुनाओ, कौन मना करता है, अपनी कैपेसिटी देखो। हाँ, अरे कौन से अन्न की बात है तुम्हारी बुद्धि में? ज्ञान धन की वो अन्न है, ज्ञान को अन्न कहा जाता है कि पानी कहा जाता है? याद किसको कहा जाता है? याद है स्नेह, जो भोजन है वो स्नेह ही भोजन है,
स्नेह के बगैर दुनिया नहीं चल सकती है, चाहे वो रूहानी स्नेह देवताओं का हो और चाहे वो जिस्मानी स्नेह राक्षसों की दुनिया का हो। राक्षसों की दुनिया का स्नेह कौन सा होता है? विकार। और देवताओं की दुनिया का स्नेह कौन सा होता है? हैं? निर्विकार। वहां ज्ञानेंद्रियों का स्नेह होता है और वहां असुरों की दुनिया में कर्मेंद्रियों का स्नेह होता है। स्नेह तो जरूर चाहिए, स्नेह के बगैर दुनिया नहीं चल सकती। तो ब्राह्मणों की दुनिया में भी स्नेह जो है वो शंकर को दिखाया गया है, एक ने ही दिया। वैसे देने को तो यमुना ने भी दिया, लेकिन दिया और निभाया नहीं तो नंबर बनेगा नहीं बनेगा। और अन्नपूर्णा ने दिया भी और देने के बाद निभाया भी तो नंबर बन गया। अन्नपूर्णा कौन हुई? है जगदम्बा। हाँ जो लॉन नौ रसम थे जो मंत्र में थे, जो नौ रसम निकले थे उसमें घोड़ा निकला था जिसके साथ में थे। घोड़ा निकला था नौ रसम में थे उसके साथ आठ में थे, तो उसका मतलब ध्यान में क्या है? उच्च स्वभाव घोड़ा जिसकी ऊंची श्रुति फैली हुई है, जिसका श्रवण कानों से जो महिमा सुनी जाती है वो बहुत ऊंची है। उसके कितने मुंह बताए? उसके अनेक मुंह बताए हैं। तो ब्रह्मा जो कुछ वाणी बोलता है उस वाणी को संसार में प्रसार प्रचार करने वाले कौन होते हैं? मुखिया है? नहीं, सब तरी से वो मुख दिखा दिए गए। घोड़ा है मन रूपी, मन बुद्धि और संस्कार, ये शिव की तीन शक्तियां हैं। तो मन रूपी घोड़ा कौन हुआ? ब्रह्मा। यही मंथन से निकला है मन रूपी घोड़ा, जो सागर मंथन हुआ उसमें मन रूपी घोड़ा भी निकला। और कहते हैं निश्चय बुद्धि की निशानी है बाप पर निश्चय, स्वयं पर निश्चय, ड्रामा पर निश्चय, ब्राह्मण परिवार पर निश्चय। ये कहाँ का? तीन बातों पर निश्चय बताया। क्या बताया? स्वयं पर निश्चय। क्या विल पावर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? विल पावर है। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा किसका बच्चा हूं? बाप का बच्चा हूं। तो पक्का निश्चय है या कच्चा निश्चय है? अगर पक्का निश्चय है बाप का बच्चा हूं, बाप अमरनाथ है, तो बच्चा भी कैसा होगा? अमर होगा। कितने जन्म लेने वाला हुआ? 84 जन्म लेने वाला हुआ। 84 जन्म लेने वाला मैं बच्चा आत्मा हूं तो कितनों की लिस्ट में आने वाला हुआ? 4.5 लाख जो जीते जी स्वर्ग में जाएंगे उस लिस्ट में आने वाला मैं बच्चा हूं। ये स्वयं पर निश्चय पक्का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि कन्वर्ट होने वाला हूं, शरीर छोड़ दूंगा, दूसरे धर्म में चंद्रवंश में चला जाऊंगा, इस्लाम वंश में चला जाऊंगा? नहीं, हमें तो बाप आया हुआ है, बाप यहीं आकर के हमको वर्षा देने के लिए आया हुआ है। जो विधर्मी है वो बाप से वर्षा इस जीवन में नहीं ले सकेंगे,
ये आत्मा के ऊपर निश्चय होना चाहिए, आत्मनिश्चय। मैं परमात्मा बाप का ऐसा आत्मा रूपी बच्चा हूँ, वो पूरे 84 जन्म लेने वाली आत्मा हूँ, ब्रह्मा की तरह 50 वर्ष कम भी नहीं। क्या मैं सूक्ष्म शरीर धारण करने वाली आत्मा नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, भूत प्रेत नहीं हूँ। एक निश्चय। दूसरा निश्चय ड्रामा पर निश्चय, जो हुआ ड्रामा, किसी बात में हिलना डुलना नहीं होने पाए। बच्चा मर गया कोई बात नहीं, हिसाब किताब पूरा हुआ, उसका जो हिसाब किताब था पूरा कर गया। आखिरी जन्म की तमो प्रधान आत्मा थी, उस आत्मा ने अपना हिसाब किताब हमसे ले लिया सुख दुख का, गया। खुश होना चाहिए, दुख होना चाहिए, खुश होना चाहिए। अम्मा मरे तो हलुआ खाओ, सबसे ज्यादा प्यार दुनिया में किससे मिलता है, अम्मा से ही मिलता है। पत्नी से भी वो प्यार नहीं मिलता है जितना अम्मा से मिलता है, निस्वार्थ प्यार। वो अम्मा भी शरीर छोड़ गई तो भी मस्त रहो, खुश रहो। तो ऐसा ड्रामा पर पक्का निश्चय हो जाए कि कुछ भी होता रहे हमारा निश्चय टूटे नहीं ड्रामा के ऊपर, कि ड्रामा कल्याणकारी है, अरे ड्रामा में ये काम अच्छा नहीं हुआ, नहीं, जो हो रहा है वो सब अच्छा, जेल में डाल दिया। कुछ सोचने लगे, अरे ये तो बहुत बुरा हुआ, सारी बेइज्जती हो गई, ठूठैया हो गई समाज में। तो ये निश्चय की निशानी है या अनिश्चय की निशानी है? अनिश्चय की निशानी। अरे ऊंच से ऊंच बाप आया हुआ है इस सृष्टि पर, वो ऊंच से ऊंच बाप की इस दुनिया में सबसे जास्ती ग्लानी होती है, सबसे जास्ती ग्लानी, सबसे जास्ती गालियां किसको खानी पड़ती है, बाप को खानी पड़ती है। तो हम कौन सी चीज है, हमारी ग्लानी हो गई, हमको जेल वेल में डाल दिया जाए, हम हमारी बदनामी हो जाए तो हमें कोई परवाह नहीं। हम जानते हैं जितनी यहाँ ग्लानी होगी उतना ज्यादा हमारा गायन भी होगा, और जो ग्लानी करेंगे वो ही गायन करने के निमित्त बनेंगे। तो खुश होना चाहिए, दुखी होना चाहिए, खुश होना चाहिए ड्रामा के ऊपर, ऐसे ही बाप के ऊपर निश्चय। जब एक बार पक्का निश्चय कर लिया कि इस नाम वाला, इस रूप वाला, इस धाम वाला, इस गुणों वाला, इस कर्तव्य वाला हमारा बाप है, वो हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु है, तीनों ही पार्ट है उस व्यक्तित्व के द्वारा चल रहा है। आज निश्चय पैदा हो, कल कोई हमको हिला जाए और अनिश्चय पैदा हो जाए तो अनिश्चय बुद्धि कहे जाएंगे, निश्चय बुद्धि कहे जाएंगे, अनिश्चय बुद्धि हो गए। तो बाप पर भी पूरा निश्चय हो। बाकी ये नहीं कहा कि ब्राह्मण परिवार पर पूरा निश्चय। अरे ब्राह्मण परिवार में तो नौकुरियां हैं, नौकुरी के ब्राह्मण हैं, ऊंचे से ऊंचे कुरी के ब्राह्मण भी हैं, अच्छे से अच्छे और बुरे से बुरे देखना हो तो कहां देखो, है यहां देखो। तो ये थोड़ा ही कहा, ये तो हमने मनमत मिक्स कर ली कि ब्राह्मण परिवार पर निश्चय। हाँ आप समान जो है वो ही हमारा परिवार है। अगर आप समान नहीं है, बाप समान नहीं है तो हमारा परिवार नहीं है। बाप के संबंध के आधार पर हमारे संबंध हैं, वो ही हमारा परिवार है। जिनका बाप से संबंध नहीं, बाप से कनेक्शन नहीं, बाप से संसर्ग नहीं, संबंध नहीं, वो हमारा परिवार नहीं हो सकता। तो बाबा कहते हैं सभी धोखा देने वाले हैं, तो ब्राह्मण परिवार पर कैसे निश्चय करना है? कहा किसे ने कि तुम ब्राह्मण पूरे ब्राह्मण परिवार पर निश्चय करो? ब्राह्मण परिवार में सब एक जैसे हैं क्या? नहीं, तो हम कैसे निश्चय करें? ओम शांति।